अगले प्रश्न पर चलते हैं जहाँ कि हमें सिद्ध करना है साइन 3a प्लस साइन 2a माइनस साइन a इक्वल टू 4 टाइम्स साइन a कॉस a बाय 2 और फिर कॉस 3a बाय 2, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है साइन 3a प्लस साइन 2a माइनस साइन a। तो इस पद का जो क्रम है इसे मैं परिवर्तित कर रहा हूँ, साइन 3a माइनस साइन a और फिर मैं लिख रहा हूँ प्लस साइन 2a। मतलब ये कि इस पद को मैंने अंतिम में लिखा है और इस पद को मैंने मध्य पद बना लिया है। अब इन पहले दोनों पदों को लेकर के हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन c माइनस साइन d इक्वल टू 2 कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। तो उस फार्मूले का उपयोग करेंगे तो ये हमें आगे मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस c प्लस d, तो कॉस 3a प्लस a अपॉन 2 और फिर साइन c माइनस d अपॉन 2, तो ये 3a माइनस a अपॉन 2 और फिर ये प्लस साइन 2a इक्वल टू, आगे सॉल्व करते हैं, 2 कॉस 3a प्लस a 4a, 4a अपॉन 2 दैट इज 2a, फिर साइन 3a माइनस a दैट इज 2a और 2a अपॉन 2 दैट इज a प्लस ये जो साइन 2a है इसे मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस a। चूंकि साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a कॉस a, तो इसका उपयोग करके हमने इस पद को इस तरीके से लिख लिया। अब ये ध्यान दीजिए, प्रथम पद पर 2 और दूसरे पद पर भी 2 और यहाँ पर ये साइन a और यहाँ पर भी साइन a है, तो दोनों पदों से यदि हम इसे उभयनिष्ठ निकाल लें तो 2 साइन a तो यहाँ पर आएगा कॉस 2a प्लस कॉस a। अब आगे देखिए कि ये जो पद है ये कॉस c प्लस कॉस d के फार्मूले को बिलोंग करता है, तो चूंकि कॉस c प्लस कॉस d इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस c प्लस d अपॉन 2 और कॉस c माइनस d अपॉन 2 होता है, तो उसका उपयोग करके इसे हम आगे सरल करते हैं तो ये हमें मिलेगा 2 टाइम्स साइन a और फिर 2 कॉस c प्लस d अर्थात 2a प्लस a अपॉन 2 और फिर कॉस c माइनस d, तो ये 2a माइनस a अपॉन 2। आगे सॉल्व करते हैं तो ये 2 साइन a फिर ये 2 कॉस 2a प्लस a दैट इज 3a अपॉन 2 और ये 2a माइनस a a और फिर ये a अपॉन 2। अब ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमें मिलेगा 2 इंटू 2 दैट इज 4 साइन a और फिर कॉस 3a अपॉन 2 और फिर कॉस a अपॉन 2, तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 साइन a कॉस a बाय 2 और फिर कॉस 3a बाय 2 विच इज राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से यह प्रश्न सिद्ध हुआ। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 120 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 3 बाय 2 होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 120 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 120 डिग्री। तो चूंकि ये हमने देखा हुआ है कि कॉस 2 अल्फा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 होता है, यदि ये 1 है इसको पक्षांतर कर दें तो हमें मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस 2 अल्फा प्लस 1 और यहाँ से हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कॉस 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2। तो इस रिजल्ट का उपयोग हम लोग करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पर जो एंगल है
इसका दुगुना ट्वाइस यहाँ पर है। तो इस तरीके से ये जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन 2, फिर प्लस 1 प्लस कॉस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस 120 डिग्री अपॉन 2, फिर प्लस 1 प्लस कॉस 2 इंटू अल्फ़ा माइनस 120 डिग्री अपॉन 2। यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2 यदि हम कॉमन ले लें या फिर उसे सेपरेट कर दें तो ये हमें मिल जाएगा 3/2। फिर प्लस 1/2 हर एक पद से कॉमन ले लें, जैसे कि यहाँ पर ये वाला 1/2 था और इसके लिए ये वाला पद 1/2 और इसके लिए ये वाला पद जो 1/2 है, इसे यदि हम कॉमन ले लें तो आगे हमें मिलेगा कॉस 2 अल्फ़ा प्लस, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा प्लस 240 डिग्री प्लस कॉस 2 अल्फ़ा माइनस 240 डिग्री। अब आगे हल करने के लिए देखिए कि ये पद कॉस सी और इस पद को हम कॉस डी ले लें, तो कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू होता है 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। तो उसका उपयोग करके आगे हम हल करेंगे तो ये मिल जाएगा 3/2 प्लस 1/2 और फिर ये कॉस 2 अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2। तो ये कॉस इन दोनों पदों को जोड़ देते हैं, 2 अल्फ़ा प्लस 240 प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 240 अपॉन 2 और फिर कॉस सी माइनस डी, तो ये 2 अल्फ़ा प्लस 240 ये वाला पद और फिर माइनस 2 अल्फ़ा और माइनस प्लस ये 240 अपॉन 2 होगा। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस 240 और ये माइनस 240 कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर ये 2 अल्फ़ा प्लस और माइनस 2 अल्फ़ा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो आगे हमें मिलेगा 3/2 प्लस 1/2 और फिर ये कॉस 2 अल्फ़ा प्लस 2 इंटू कॉस, देखिए 2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा 4 अल्फ़ा, 4 अल्फ़ा अपॉन 2 सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 अल्फ़ा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए ये 240 और 240 अपॉन 2 सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा कॉस 240, तो इसे हम लिख रहे हैं कॉस 240 डिग्री। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ये 3/2 फिर प्लस ये 1/2 कॉस 2 अल्फ़ा प्लस 2 कॉस 2 अल्फ़ा, कॉस 240 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 180 प्लस 60, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 और ये कॉस 2 अल्फ़ा प्लस 2 कॉस 2 अल्फ़ा और कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर ये जो साइन है ये हो जाएगा माइनस कॉस 60 डिग्री। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 3/2 प्लस 1/2 कॉस 2 अल्फ़ा माइनस 2 कॉस अल्फ़ा इंटू 1/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आगे मिलेगा 3/2 इंटू 3/2 प्लस 1/2 इंटू कॉस 2 अल्फ़ा माइनस कॉस 2 अल्फ़ा, ये टर्म 0 हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है 3/2 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से ये प्रश्न सिद्ध हुआ। आगे प्रश्न देखते हैं जहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर ये इक्वल होगा 4 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 के, ये होगा हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, विच इज़ इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर और फिर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, इसका उपयोग करके हम इसे
इसका वर्ग करते हैं तो ये मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस टू कॉस अल्फा कॉस बीटा, फिर प्लस ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस टू साइन अल्फा साइन बीटा। तो चूंकि हमने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है तो इस पद और इस पद का जो योग है ये मिलेगा वन, इसी तरीके से इस पद और इस पद का जो योग है ये हमें मिलेगा वन, फिर माइनस यदि हम माइनस टू को कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, फिर प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, वन प्लस वन टू, फिर माइनस टू। ये देखिए ये कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है तो ये हमें लिख देंगे टू टाइम्स कॉस अल्फा माइनस बीटा। इन दोनों पदों से यदि हम टू को कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा वन माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, आगे टू इंटू वन माइनस कॉस टू ए इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए होता है तो उस फार्मूले का उपयोग करके हम इसे लिखेंगे माइनस और माइनस और माइनस प्लस टू साइन स्क्वायर इस एंगल का हाफ, तो इसे हम लिख रहे हैं अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, फिर टू इंटू टू मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा फोर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू जो कि है राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। तो अब हम आगे प्रश्न देखते हैं जहां पर हम उपयोग करेंगे कॉस थ्री ए साइन थ्री ए इन सूत्रों का। तो आपने पढ़ा हुआ है कि कॉस थ्री ए इक्वल टू फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए, और साइन थ्री ए इक्वल टू थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। तो इससे संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। तो इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना है एट कॉस क्यूब पाई बाई नाइन माइनस सिक्स कॉस पाई बाई नाइन इक्वल टू वन, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं विच इज़ इक्वल टू एट कॉस क्यूब पाई बाई नाइन, फिर माइनस सिक्स कॉस पाई बाई नाइन। तो चूंकि कॉस थ्री ए इक्वल टू फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए होता है तो देखिए यदि इन पदों में मैं टू को कॉमन ले लूं तो ये हमें मिल रहा है फोर टाइम्स कॉस क्यूब पाई बाई नाइन माइनस थ्री कॉस पाई बाई नाइन। इसका मतलब ये कि एक स्थान पर यदि मैं पाई बाई नाइन रख दूं तो मुझे ये मिल जाएगा जो कि हमें आगे मिलेगा टू टाइम्स कॉस थ्री इंटू ए, ए का स्थान पर यहाँ पर है पाई बाई नाइन, तो इसे जब आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा टू टाइम्स कॉस पाई बाई थ्री, तो ये मिलेगा टू इंटू वन बाई टू दैट इज़ वन जो कि है राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है फिफ्टीन साइन फाइव पाई बाई ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन कॉस फाइव पाई बाई ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी साइन क्यूब फाइव पाई बाई ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी कॉस क्यूब फाइव पाई बाई ट्वेल्व इक्वल टू ज़ीरो, ये होगा हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू पहला पद 15 साइन 5 पाई बाई 12, फिर माइनस 20 साइन क्यूब 5 पाई बाई 12, ये पहला पद और फिर ये तीसरे पद को मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर प्लस 15 कॉस 5 पाई बाई 12 माइनस 20 कॉस क्यूब 5 पाई बाई 12। तो चूंकि हमने पहले से पढ़ रखा हुआ है कि साइन 3a इक्वल टू होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और इसी तरीके से कॉस 3a इक्वल टू 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a। तो इन सूत्रों का उपयोग करके
इस प्रश्न को हम सरल कर सकते हैं। इस पद में यदि हम 5 कॉमन ले लें और यहां पर भी हम 5 कॉमन ले लें तो देखिए ये किस तरीके से रूपांतरित हो जाता है। 5 ये 3 साइन 5 पाई बाय 12 माइनस 4 साइन क्यूब 5 पाई बाय 12 फिर प्लस 5 3 कॉस 5 पाई बाय 12 माइनस 4 कॉस क्यूब 5 पाई बाय 12। तो ये देखिए यदि इस एक स्थान पर मैं 5 पाई बाय 12 रख दूं तो ये मिल रहा है 3 साइन 5 पाई बाय 12 माइनस 4 साइन क्यूब 5 पाई बाय 12। तो ये इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ साइन 3a और एक स्थान पर है 5 पाई बाय 12 फिर प्लस 5। ये जो एक्सप्रेशन है इसका इस्तेमाल करके इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस 3 इंटू ए और एक स्थान पर है यहाँ पर 5 पाई बाय 12। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 5 साइन ये आपको मिल जाएगा 5 पाई बाय 4। तो ये देखिए कि यहाँ पर इसका क्रम जो है ये उल्टा है। यहाँ पर ये 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए है और यहाँ पर जो क्रम है ये परिवर्तित है। तो यहाँ पर यदि मैं माइनस साइन लगा दूँ तो ये पर्टिकुलर इसी फार्मूले को बिलोंग करेगा और इसे जब हम आगे हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस 3 इंटू ए के स्थान पर है 5 पाई बाय 12। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 5 साइन 5 पाई बाय 4 और फिर माइनस 5 कॉस 5 पाई बाय 4। तो आगे इसे हम लिख सकते हैं, आगे हम इसे लिख सकते हैं 5 साइन पाई प्लस पाई बाय 4 और फिर माइनस 5 कॉस पाई प्लस पाई बाय 4। ये मिल जाएगा माइनस साइन पाई बाय 4 क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा और ये माइनस और माइनस प्लस कॉस पाई बाय 4 कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इस तरीके से देखिए ये ऋण चिन्ह के साथ है और ये यहाँ पर ये पद धन चिन्ह के साथ है। यहाँ पर इन दोनों पदों का जब मान रख देंगे तो ये माइनस 5 इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस 5 1 बाई रूट 2 इन दोनों को हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड और यही हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कॉस 6x इक्वल टू 32 कॉस का पावर 6x माइनस 48 कॉस का पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। इस प्रश्न में भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं जो कि है कॉस 6x। इसे हम लिख सकते हैं कॉस 2 टाइम्स 3x। चूंकि कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 तो ये आगे हमें मिलेगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर x के स्थान पर है यहाँ पर 3x तो ये मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर 3x माइनस 1। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस 3x का स्क्वायर और फिर ये माइनस 1। एक और फार्मूला हमने पढ़ रखा है कॉस 3a इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a तो इसका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x और इसका ये होल स्क्वायर है। आगे इस पद का वर्ग कर देंगे तो 2 इंटू इसका वर्ग करेंगे तो मिल जाएगा 16 कॉस का पावर 6x प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 9 कॉस स्क्वायर x और फिर माइनस 2ab तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस 24 कॉस का पावर 4x और फिर ये माइनस 1। अब ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 32 कॉस का पावर 6 और ये x प्लस 18 कॉस स्क्वायर x माइनस 48 कॉस का पावर 4 और ये x फिर ये माइनस 1। तो इसे हम आगे लिख सकते हैं 32 कॉस का पावर 6x फिर माइनस 48 कॉस का पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर x
माइनस वन, कॉस के घातों के घटते हुए क्रम में हमने इसको लिखा है और यही हमारा राइट हैंड साइड है जो कि हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कॉस एक्स इंटू कॉस पाई बाई थ्री माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई थ्री प्लस एक्स, ये इक्वल टू होगा वन बाई फोर कॉस थ्री एक्स के, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हम चलेंगे, ये है कॉस एक्स, फिर कॉस पाई बाई थ्री माइनस एक्स और फिर कॉस पाई बाई थ्री प्लस एक्स। पूर्व में हमने जो सूत्र पढ़ा है ये है कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये आपको मिलता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये अंतिम दो पदों में इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे और हमें आगे मिलेगा कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री माइनस साइन स्क्वायर बी, और बी के स्थान पर है एक्स, यहाँ पर हम इसका मान रख देते हैं। तो ये हमें मिलेगा कॉस एक्स वन बाई फोर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस एक्स वन बाई फोर, ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसे मैं लिख रहा हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो इस तरीके से हम साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, कॉस एक्स इंटू वन बाई फोर माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसे आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा कॉस एक्स, फिर माइनस थ्री बाई फोर, इन दोनों पदों को हल करेंगे तो मिल जाएगा माइनस थ्री बाई फोर, और फिर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यदि इसे हम आगे एलसीएम निकाल लें, ये कॉस एक्स और फिर ये फोर, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस थ्री प्लस फोर कॉस स्क्वायर एक्स वन बाई फोर। इस कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर में, इस पद को मैं पहले लिख रहा हूँ फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, जो कि है वन बाई फोर कॉस थ्री एक्स, ये जो है कॉस थ्री एक्स का एक्सपेंशन है। तो इस तरीके से हमें जो मिला ये वन बाई फोर कॉस थ्री एक्स, और यही राइट हैंड साइड है जो कि हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई थ्री माइनस एक्स इंटू साइन पाई बाई थ्री प्लस एक्स, ये इक्वल टू होगा वन बाई फोर साइन थ्री एक्स के बराबर। इसके लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, ये साइन एक्स और फिर साइन पाई बाई थ्री माइनस एक्स और साइन पाई बाई थ्री प्लस एक्स। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। तो अंतिम दोनों पदों में इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर ए, तो ये मिल जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई थ्री और फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये मान हम रख देते हैं तो ये मिलेगा साइन एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा थ्री बाई फोर, फिर माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये साइन एक्स एलसीएम ले लेते हैं, ये मिलेगा फोर और फिर ये थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलेगा थ्री इंटू साइन एक्स माइनस फोर इंटू साइन क्यूब एक्स अपॉन फोर। तो अंश में जो पद दिख रहा है ये साइन थ्री एक्स का एक्सपेंशन है, चूँकि साइन थ्री ए इक्वल टू होता है थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, तो इस तरीके से हमें मिल रहा है वन बाई फोर इंटू साइन थ्री एक्स, और यही है हमारा राइट हैंड साइड जो कि हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है साइन ट्वेंटी इंटू साइन फोर्टी डिग्री इंटू साइन सिक्सटी डिग्री और इंटू साइन एटी डिग्री, ये थ्री बाई सिक्सटीन के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो पिछले
अध्याय में हमने इसको देखा था कि इस तरीके के जितने भी प्रश्न होते हैं उसमें जो मान ज्ञात होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, वो हम पुट कर देते हैं और फिर आगे 2 को मल्टीप्लाई करके साइन ए साइन बी या फिर 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी या फिर 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी या फिर 2 टाइम्स कॉस ए साइन बी इस फॉर्मूले में रख करके आगे हम हल करते हैं। तो यहाँ पर इस अध्याय में जो हम सूत्र पढ़े हैं उसका उपयोग करके इसे हम हल करेंगे। तो ये है साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री। साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, वो हम आगे पुट कर देंगे। तो ये √3/2 और फिर आगे साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री को मैं लिख रहा हूँ साइन 60 माइनस 20 डिग्री और साइन 80 को मैं लिख रहा हूँ साइन 60 प्लस 20 डिग्री। थोड़ी देर पहले हमने सूत्र पढ़ा था साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो उसका उपयोग करेंगे हम इस लास्ट के दो पदों में। तो ये √3/2, तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन पाई बाई 3 माइनस एक्स और फिर इंटू साइन पाई बाई 3 प्लस एक्स, जहाँ एक्स बराबर 20 डिग्री है। तो थोड़ी देर पहले हमने इस प्रश्न को हल किया था, ये ब्रैकेट सर्पाकार कोष्टक के अंतर्गत जो लिखा गया पद है इसे हमने प्रूफ किया था कि ये 1/4 साइन 3x के बराबर होता है। तो इसे हम आगे यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हो गया √3/2 1/4 साइन 3x। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा √3/8 साइन 3x, तो 3 इंटू 20 डिग्री, ये मिल जाएगा आपको √3/8 साइन 60 डिग्री, वैल्यू पुट कर देंगे √3/8 इंटू √3/2, तो ये आपको मिल जाएगा 3/16 जो कि है राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था।